हेलो एवरीवन, तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर फोटो के साथ सॉन्ग कैसे लगा सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन के। तो अगर आपको भी अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर फोटो के साथ सॉन्ग लगाना है तो आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो स्किप नहीं करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ योर स्टोरीज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर भी क्लिक करना है। इस पर भी क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो भी लगाने थे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सॉन्ग के साथ, आप उस फोटो को यहां पर से ढूंढ लीजिए। तो जैसे कि मुझको वाली पिक लगाने थे तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर भी क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो कि लिखा हुआ है म्यूज़िक, तो आपको म्यूज़िक पर क्लिक करना है। म्यूज़िक पर क्लिक करने के बाद आपको जो सॉन्ग भी लगाना था आप उस सॉन्ग को यहां पर सेलेक्ट कर लिए करिए। जैसे कि मुझको लुट गया लगाना था, मैं लुट गया सॉन्ग पर टिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको इसको थोड़ा छोटा कर देना है, और इसको थोड़ा छोटा करके आपको इसको साइड में कर देना है। इसको साइड में करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सेंड टू, तो आपको सेंड टू पर क्लिक करना है। सेंड टू पर क्लिक करने के बाद आपको शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरी यह स्टोरी लगना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी स्टोरी लग चुकी है। इसको लगाने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कॉपी लिंक, तो आपको कॉपी लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर। आपको इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर टाइप करके सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल कर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ स्टोरी सेवर नेट डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड हाईलाइट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ इंटर इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़र नेम, तो यहां पर आपको अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहां पर दे देना है। तो मैं अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहां पर दे देता हूं। यूज़र नेम देने के बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सेव आ वीडियो, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मेरी स्टोरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, और ये डाउनलोड भी हो चुकी है। तो इसके बाद आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर चले जाना है। स्टेटस पर जाने के बाद आपको माय स्टेटस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आपकी स्टोरी आ रही है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें सॉन्ग भी ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका स्टेटस लगना यहां पर स्टार्ट हो चुका है, और ये लग भी चुका है। तो यहाँ पर इस तरह आप भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर फोटो के साथ सॉन्ग लगा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन इसको भी ऑन कर लीजिए।